लिए फरमाते हैं इन मोता व मौत व निजात योल कुरान अगर तुम चाहते हो कि शादतमंद जिंदगी गुजारो और शहादत की मौत हासिल हो कुरान की तिलावत करो इन्नू कलाम और रहमान वरुजान फिर नीरान व हिरजमिन शैतान ये खुदा रहमान का कलाम है तारीख़ी में इससे रोशनी है शैतान से बचाने वाला है और मीज़ान पर सबसे ग्रा कदर सब से भारी अमल है लहजा क़र्न ख़ुद भी अपने बारे में कहता है शिफ़ा उन वर रहमान वलुदा लम्न इसमें ईमान वालों के लिए शफ़ा है रहमत है और और हिदायत है इनहू लक़ौलुल फ़स्ल वमा हुवा बिलहज्ल या अल्लाह का अटल कलाम है इसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं है ला रतब वला याबस इल्ला फी किताब मुबीन कोई खुश्की और तरी ऐसी नहीं है जिसका उसने इस वाज़ह किताब में तस्करा ना किया हो दो आलम अल्लाह ने इस किताब में समेट दिए हैं हर चीज़ है जो इसके अंदर शामिल है और ये अपने कारी को भी फजीलत देती है मेरे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आप फरमाते हैं या अली या अली फरमाते हैं जो कुरान हैं ख़ुदा उन्हें चार हालतों से खाली नहीं रखता जो हामिलानरान है वो चार चीज़ों का ज़रूर सामना करते हैं जब कहीं पर कुरान का ज़िक्र हो कुरान की तिलावत हो क़ुरान की बात की जाए कुरान की तालीमत को रखा जाए फरमाया कि वस्तक लहूँ ख़ुदा कारीान कुरआन कुरान, की जिक्र करने वालों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता पहली चीज़ जो यकीनी है फर्ज लहूं उनके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं दूसरी चीज फरमाया फ़ीमन आइंदा अल्लाह उनका जिक्र जमीन से ज्यादा आसमान के ऊपर करता है अल्लाह उनको जमीन पर याद नहीं करता अर्श वालों के दरमियान याद करता है खाकियों के दरमियान याद नहीं करता नूरानियों के दरमियान याद करता है फना हो जाने वालों के अंदर उनका नाम नहीं रखता बाकी रखने वालों के दरमियान उनका जिक्र करता है तीसरी चीज़ फरमाया बिहमुल उन्हें मलाया के हिसार में दे दिया जाता है मलाया उन्हें हमेशा अपने हिसार में अपने दायरे में अपनी हिफाजत में रखते हैं उनको उनका वजूद कभी भी किसी गलासत रिज या तारीकी के साथ मुंदमिल नहीं होता और चौथी चीज़ फरमाया बिरहमा उन्हें रहमत में गोते दिए जाते हैं बरसाई नहीं जाती रहमत उनके ऊपर रहमत डाली नहीं जाती हम जानते हैं कोई चीज़ बरसती है तो किसी एक चीज चीज़ के ऊपर बरसती है किसी एक चीज़ को अपने वजूद से नम कर देती है लेकिन जब गोताज़न हो जाए गशत हम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि पूरा वजूद पूरा पूरी जात सरशार हो जाती है रहमत इलाही से ये चार चीज़ें लाजमी हैं जो कारी कुरान हामिल कुरान ज़ाकिर कुरान के लिए अल्लाह ने रखी हैं करते हैं आसमान पर उसका जिक्र होता है परवरदिगार आलम उसको फरिश्तों के हिसार में दे देता है और उसको अपनी रहमत का गोता देता है यह कुरान है जो अपने कारी को भी फजीलत देता है उसको भी रफत देता है क्या वजह है कि कुरान पढ़ने वाला इतनी अज़मतों का और ख़ुदा उसके लिए इतनी जजाए खैर रखता है ख़ुदा खुद कुरान में इसका ज़िक्र करता है और कहता है वह इदातुलत आयात हो ज़्यादत हम ईमाना कुरान के की तिलावत जब इनके सामने की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है क़ुरान कैसे फज़ीलत आपको दे रहा है आपके ईमान को बढ़ा रहा है आपके दिल के नूर को फैला रहा है आपके अंदर सोया हुआ ईमान जगा रहा है और इसकी तिलावत के साथ साथ ईमान बढ़ता चला जाता है और यही वजह है खुदावंद करीम ने इस किताब को क़ुरआन को किताबुल फुरकान कहा है फुरकान यानी हक और बातिल में फर्क करने वाली जो कुरान अपने सीने में सजाए उसका ईमान ज्यादा हो गया जिसका ईमान ज़्यादा हो गया वो बातिल से दूर हो गया हक के नज़दीक चला गया आज हमें जिस चीज़ की सबसे ज्यादा ज़रूरत है या ये भी कहूँ तो गलत ना होगा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि हम कुरान से दूर हैं इस बात के एतराफ़ के साथ कि कुरान से उम्मत मुस्लिम दूर है और जितनी पूरी मुस्लिम उम्मत को नज़दीक होना चाहिए उनमें इस बात का इनकार हरगिज नहीं करूंगी कि तशैयो कौम शिया तनह वो कौम है जो सवा दो महीने अपनी हर मजलिस का आगाज कुरान की आयत से करती है यह आपकी फजीलत है यह आपने कुरान को जिंदा रखा है हाँ अज़मत उस वक्त होगी ये फ़जीलत उस वक्त और ज़्यादा हो जाएगी जब आप कुरान की इस आयत को जो हर मजलिस के आगाज़ में पढ़ी जाती है उसको आप पूरी तरह से अपने अंदर लागू कर सकें लिहाजा ज़रूरत है कि आज हम हक और बातिल फुरकान की इस सबील को या फुरकान के इस रास्ते को अगर वाज करना चाहते हैं तो हमारे दरमियान ये किताब है जो फ़र्क को ज़ाहिर करती है हक क्या है बताती है बातिल क्या है उसकी भी खबर देती है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है